ये फ्री आई है इसके अंदर का लॉन्ग यार, ये मैंने लगा लिया, मैंने चिन कैमरा मेरा लगा था नाइट सॉरी डे इसके नीचे से जाता। सो दोस्तों हेड मैंने कवर कर लिया है बिफोर वेयरिंग द हेलमेट, वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेयर ग्रोथ। आप लोग भी अपना ऐसे ही कवर करके हेलमेट पहना करिए। मेरे पास एक हेलमेट है जिसको मैं, मेरे दो प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था कि आपका हेलमेट का मॉडल कौन सा है और ये कितने का है जो भी है, तो मैं बता दूँ ये सनी का हेलमेट है, दुकान पे 500 का मिल रहा है ये। मैंने अभी पूछा अपने हेलमेट मार्केट में जो कि निर्माण विहार पर है, और ये ऑनलाइन 700 का मिलता है। मैंने ये जो आप प्रिंटिंग देख रहे हो ना, ये सब मेरे डिज़ाइन किया, लाइक ये मेरा Insta360 में स्टिकर आया था वही सब है, ये सारे स्टिकर्स मैंने अप्लाई करे हैं इसके ऊपर। ये बिल्कुल कोरा हेलमेट आया था मेरे पास, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। तो पहले ये हेलमेट आया, बाद में मैंने बाइक खरीदी वो भी ब्लू कलर की इसी को देखकर, और ISI प्रूफ है ये, बट मैंने रिप्लेस क्यों किया उसके पीछे एक रीजन है। इसकी जो पैडिंग है ना दोस्तों, ये रिमूवेबल नहीं है, और प्लस इसमें जो यहाँ पे स्ट्रैप्स होती है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्ट्रैप्स है ये मेरे कान में लगने लगी। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे जो कान है ना वो थोड़े से वाइड है, ऐसे भी होते हैं किसी के ऐसे भी होते हैं, तो मेरे थोड़े से ऐसे हैं। अगर आप लोगों के मेरी तरह शेप है थोड़े से मतलब बाहर की रहते हैं, तो आप ये हेलमेट मैं रिकमेंड करूँगा ना लें, क्योंकि ये आपको दर्द करने वाला है। क्योंकि हर 50 किलोमीटर के बाद मैं जब बाइक रोकता हूँ और मैं जब हेलमेट उतारता हूँ, ये पूरा रेड होता है मेरा, मैं हल्का सा टच करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो अब मुझे अभी, अब मेरी एक बड़ी राइड होने वाली है, मैं बहुत जल्द आपके सामने एक वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कैंपिंग व्लॉग होगा, बहुत अच्छा वाला होगा। ये जो हेलमेट है मैं इसको नहीं कैरी करने वाला, क्योंकि तो बाकी ये हेलमेट अगर आपके कान थोड़े वैसे हैं इस टाइप के, को मतलब गो हेड है आपके लिए, इस हेलमेट को लो, इससे बेटर इतने कम प्राइस में, 500 रुपये के प्राइस में गाइस आपको नहीं मिलेगा ये हेलमेट। सो एक छोटा सा चेंज देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा एक लोगो लगा हुआ था यार, वो लोगो नीचे गिर गया, उसको मैंने क्या करा, उसको पीछे मैंने दीवार पे चिपका दी किसी तरीके से उसी टेप से। आप वीडियो जरूर देखें आगे की वैरायटी देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, हेलमेट लेने से पहले देखो यार, ये तो आपकी चॉइस है। चलिए वीडियो पूरा शुरू करते हैं, उसके बाद आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आ गए एक नई दुकान पे, दुकान ये मैंने ढूंढी है, ये भी अपने घर के नियर बाय ढूंढी है, इनका नाम है लिंकर्स ट्रेडर्स, और यहाँ पे भी अंदर प्रिया बैठी है और ये भैया हैं, चलो आपसे मिलवाते हैं। हेलो सर कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो ये मत सोचना कि यार ये दुकान में इतने रंग बिरंगे के हेलमेट लगे हुए हैं तो कम से कम 10-1 हज़ार के होंगे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। कितने में स्टार्ट होता आपका फर्स्ट? अगर आप देखोगे तो 800 रुपीज़ से स्टार्टिंग है हमारे पास, 950-960 की MRP है, हमारा एक रेट है 800 रुपये कम देते हैं वाला हेलमेट। मतलब 800 रुपए से आप ISI वाला ही बेचते हो? स्टार्ट स्टील बट वाला ही, मतलब ब्रांडेड ही देखते हैं, ब्रांडेड ही बेचते हो, मतलब वाला सीन ही नहीं है चलान से बचाने वाला कोई बेचता है? तो दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा सबसे पहले कि मैं आपको एटलीस्ट वाले से शुरू करूं। भैया आप अपने कोई भी दो हेलमेट मुझे वो दिखाओ जो आप 800 के 1000 के सेगमेंट में देते हो। सिंपल सोबर प्योर ब्लैक हेलमेट है, पूरी गारंटी, जैसे मर्जी करो, शीशा बॉडी सब अवेलेबल है। और एक चीज मैंने देखी दोस्तों, ये देखो 1800 में आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट कभी ही नहीं मिलेगा वाइजर, और ये स्टड ब्रांडिंग है, एक वो स्टड का हो गया, एक ये स्टील बड का हो गया, सेम एज इट इज। इसका लुक देखो बिल्कुल एग्जॉर जैसा ही है दोस्तों, बिल्कुल सेम एरोडायनेमिक इसकी स्पे वो है, मेरे को दिख रहा है पीछे भी इसके वेंट है यहाँ पर, है ना। इसकी क्या रहेगी रेंज? 800 रुपए का एक रेट है, ये लो कोई सा भी लो, दोनों में से कोई सा भी लो आप, 800 रुपए की रेंज में यार इतना प्रीमियम, मतलब मैट फिनिश। आप कहीं बाहर से भी लोगे तो 900-950 का मिनिमम मिलता है, मैंने मेरे पास एक रेट है 800 रुपए का, आप लेके जाओ, लेकिन ये स्टोर पे ही लेना पड़ेगा तभी 800 का, अगर कहीं डिलीवर कराओगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस जो लगेंगे 800। मैं जो ना एक चीज क्लियर कर दूं, आप ये मत सोचना कि आपने 800 का हेलमेट लिया तो अपना चिन माउंट कैसे लगाओगे, आराम से आप इसमें कैमरा होल्ड कर सकते हो, और काफी बढ़िया है इसका जो ग्लास है ना बहुत बढ़िया है, ये दो ये 800 की रेंज में है। में जाते हैं तो कितना प्राइस होता है मिड का? 800 के बाद 1000 की है, 1100 की है, हर रेंज के, जैसे कस्टमर वैसे प्राइस है। हमारे 1550 का देखो छोड़ो, स्टर्स का मॉडल है ये, अंडर सीरीज का, ये भी स्पॉइलर है, स्क्रैच कल जैसे नई न्यू लुक्स में आ रहा है, स्पॉइलर लुक, ये तो एग्जॉर वगैरह में देखा है मैंने, ये SM के में भी आने लग गया, प्लस डॉट सर्टिफाइड भी है ये, आपको 15-50 हजार का सर्टिफाइड है दोस्तों, ये अमेरिकन इंड वो है, वॉशेबल रिमूवेबल बिल्कुल पे, और सारी अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो फिर उसमें अपग्रेड हो जाएगा, इसी ग्राफिक्स
100 to 200 rupees ऐड होंगे, फिर आपको ग्राफिक्स वाला स्टार्ट। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ 1700 रुपए में ग्राफिक्स वाला मिल जाएगा। दे देंगे भैया इसी का, अगर ग्राफिक्स में कुछ चाहिए हो तो दे देंगे। दिखा पाओगे अभी मुझे वो? अरे वाह, अब ग्राफिक्स तो थंडर की बैचिंग है इस पे, थंडर की। और वेट भी ज्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका वेट उतना ही है जितना मैंने अभी अपने पसंद किया। मतलब 1700 में मुझे ये मिल जाएगा मैट फिनिश में पूरा। स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है लेकिन प्रूफ नहीं होता, अगर आप घिसोगे तो यार आएगा ही आएगा, आएगा। लेकिन ऐसे रखने से कहीं पर वैसे नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल लेडीज की बहुत डिमांड आती है हमारे पास। टर्क में एक न्यू मॉडल है अर्बन रे करके, ये अपना हेलमेट पे बैजिंग लगा के बैठी है। ये देखिए भैया स्टड्स का अर्बन रे मॉडल है, प्रॉपर पोनी कट के साथ ग्लॉसी है। वाओ, फिनिश के अंदर आप कलर देखो ना, कलर बिल्कुल डिफरेंट है, किसी कंपनी में नहीं आया हुआ ये कलर मेरे साथ। प्रिया पहन के दिखाओ, ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा देखने से। नीचे करो शेड, ग्लास चेंज करा सकते हो? तो बढ़िया, अभी न्यू मॉडल आया तो उसमें ग्लास सिर्फ वाइट ही आया। जैसे कि अभी मेरे वाले हेलमेट पे भी मुझे फेस करने में मिला, क्योंकि उससे ग्लास अभी अवेलेबल नहीं है। 850 ग्राम में है सिर्फ, प्लस ओपन होने के साथ साथ मोस्टली लोग कहते हैं कि ओपन फेस हेलमेट हम लॉक नहीं कर सकते, इसके अंदर लॉक करने का फीचर है, इसके अंदर केबल लॉक। ये चीज तो यार अलग है, इसको तो मैं बाइक में बांध भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बाइक में प्लस ये पोनी कट भी है जो इसका मेन फीचर है। लेडीज जैसे पोनी करती है तो इसके अंदर नीचे कट दे रखा है। क्या प्राइस है इसका? ये भैया इसकी MRP तो है 995, ये 850 का नेट दे दूंगा मैं हमारे पास से स्टोर पे आने के बाद, 850 का नेट पड़ेगा ये वाला। मुझे 2000 से 2500 के बीच में आप मुझे कोई दो हेलमेट दिखाओ जो ऑफ रोड में भी चले और रोड पे भी चले। भाई ये क्या चीज है भैया, स्ट्रट्स का ड्रिफ्टर मॉडल है, डबल वाइजर के साथ में है, प्लस इसका स्पॉइलर है, लग जाता है जो यहाँ पे ये स्टड है, मुझे SMK लग रहा है ये। एक्चुअली में SMK इस वजह से लग रहा है क्योंकि इंडिया में SMK को स्टडी मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा लुक मैच कर रहा है दोनों की। लुक देखो ना, प्योर मैट फिनिश के अंदर मैट फिनिश है इसका। तो डबल वाइजर होंगे शायद। हाँ, ये ऊपर का वाइजर वैसा होता है, अंदर ये ग्लास वाला वाइजर होता है। बिल्कुल, ये रहा भैया वेंट्स, इसमें प्रॉपर वेंट्स वगैरह सब कुछ है। ये भैया 2450 इंक्लूडिंग शिपिंग है ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में कहीं पे भी मंगा सकते हो 2450 रुपए में। और अगर स्टोर पे आके लेना चाहे कोई, जो लेस होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कर देंगे, जो हमारा डिलीवरी चार्जेस होगा उसे हटा देंगे। ये R15 भी बड़ा अच्छा लगेगा यार। इसके बाद SMK की आजकल बहुत डिमांड आ रही है, SMK XOR की, जैसे भी आपने देखा हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं लोग। तो यही दिख रहा है उसको, आप ये देखिए, चीज देखिए SMK का। ओहो, क्या ग्लॉस है यार इसका, बाइक का ग्लॉस नहीं होता ऐसा। ट्विस्टर सीरीज का मॉडल है भैया, ब्लूटूथ कम्पेटेबल है, डबल वाइजर है, सारी चीजें हैं इस एक मॉडल के अंदर। स्टिकर्स भी आ रहे हैं शायद, स्टिकर्स वगैरह तो जो इसकी आती है सब कुछ है इसमें। एक चीज बताओ, ये जितने भी आप मुझे हेलमेट दिखा रहे हो, जैसे कि ये था हमारा वाला और एक ये दो शरीफ आदमी थे, इन सब में ब्लूटूथ वगैरह लग जाता है क्या? नहीं, जिस ब्लूटूथ जैसे इसमें लग जाएगा स्टार्टिंग 1550 वाले में, इसमें कंप्लीट लग जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पेस दे रखा है लगाने के लिए। ठीक है, इनमें थोड़ा जुगाड़ टाइप करना पड़ता है। इसमें इसमें लग जाएगा, इसमें तो जाहिर सी बात है लगेगा ही लगेगा, दिख रहा है इतना प्रीमियम। प्रीमियम इसमें साइड में यहाँ पे जगह भी दे रखी है, आप देख सकते हो प्रॉपर होल्स दे रखे, नेट लगा रखी है। ब्लूटूथ की स्टार्टिंग 1250 है हमारे पास, 1250 का ब्लूटूथ आता है, प्रॉपर बहुत बढ़िया साउंड है, सब कुछ है, आप इजीली ये देख सकते हैं अभी वाला ब्लूटूथ है। दोस्तों ये देखो मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर एसेसरीज में कुछ चाहिए जैसे चेन लूप, चेन क्लीनर, पॉलिशेस वगैरह, सब रीजनेबल प्राइस पे है आपके पास। प्राइस पहले बाहर से चेक कर लो फिर ले लो हमसे आगे, कोई बात नहीं। एसेसरीज है, ग्लव्स भी है, नी पैड, एल्बो पैड सब मिलता है हमारे पास। आप मुझे बताओ ऐसा क्या होता है ना, हेलमेट तो हमने बहुत देख लिए, अब मुझे एक चीज बताओ, कई बार राइडर्स क्या करते हैं जैकेट वगैरह नहीं लेते क्योंकि कॉस्टली होता है, जैसे कि मैंने भी अभी तक नहीं ली। मैं क्या करता हूँ, पैडिंग वगैरह पहनता हूँ यहाँ पर, तो हाँ नी गार्ड, एल्बो गार्ड जो भी होता है। अब ये बताओ यार, वो भी कई बार जो ना इतने ज्यादा हाई प्राइस में आता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग क्या करते हैं कुछ जुगाड़ से चले जाते हैं जैसे तैसे, तो क्या रीजनेबल प्राइस होता है इसका? यार नी पैड एल्बो पैड की स्टार्टिंग प्राइस आप कहीं से भी देखो 1300-1400 रुपए से कम नहीं है, 1300-1400 रुपए से कम नहीं है। रियल स्टेनलेस स्टील, इसमें ये चीज है, या कोई भी 1500 की जैकेट पहन ले उसके ऊपर ये लगा ले और जींस पे लगा ले। आप करोलबाग से 1100 का लाए हो, मैं यही बैठे बैठे 1050 का दे रहा हूँ विदाउट एनी बार्गेनिंग, सिंगल रेट 1050 विदाउट एनी बार्गेनिंग, ये बड़ी चीज बोली आपने। रेट की गारंटी है भैया, रेट में कहीं शिकायत आ रहा हो डायरेक्ट कॉल करो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ रेट के लिए, बेफिक्र हो जाओ। ऑल गुड ऑल गुड। ये यूनिवर्सल चार्जर है, सारी बाइक में लगता है ये वाला। क्या वोल्ट देता है ये, मतलब हाई पावर वाला है? फास्ट चार्जर जो आ रहा है वही वाला चार्जर है और बहुत रीजनेबल रेट पे 140 की रेंज में है।
140 के रेंज में? बिल्कुल 140 बिल्कुल भैया, 140 बोला ना आपने, 140 का दे दूंगा, आ जाओ ले जाओ। 1200 का लगता है 140। और इस पे मैं देख रहा हूँ कुछ दोस्तों, अगर 140 है ना, पहले ये देख लो, ये ब्रांड देख लो पहले, जेसी कंपनी का भैया ये देख लो यार। पता, ये मोबाइल होल्डर है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये मेटल वाला है ना, प्योर मेटल जो आता है, जो बाहर चल रहा मार्केट में वही है, मेटल वाला। यही चीज ओनली मोबाइल होल्डर है मेरे पास, मैंने 450 का लगाया था करोल बाग से, ठीक है, एक रेट है, आ जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 280 का रेट बता रहे हैं भैया, बस ठीक है, दुकान फिक्स हो गई, अब इसे दुकान जाएंगे। हेलमेट सस्ते प्राइस में ढूंढ रहे हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी रहेगा कि आपको बेस्ट प्राइस में और क्वालिटी, वो भी बिल्कुल फॉरेन हेलमेट्स वाली। आप एग्जॉर से इसको कंपेयर कर सकते हो, आप इसको SMK से कंपेयर कर सकते हो, या आप किसी बाइकर ग्रुप में अगर जाओगे, सब आपको पलट पलट के दिखेंगे, चाहे वो एग्जॉर का हेलमेट पहना हो या फिर वो SMK का। फॉर्म थिकनेस मतलब ये एक्स्ट्रा पैडिंग है जो मैं अपने हेलमेट में हेड पे लगा सकता हूँ, स्टिकी है और ये फॉर्म में बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा पैडिंग पे है, तो ये फ्री आई है इसके अंदर। हाँ यार, ये मैंने हेलमेट परचेस किया वहां से, ठीक है, आप इसको पहले साइड व्यू देखो इसका, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, और ये एक और साइड व्यू देखो आप इसका, और ये बैक व्यू, इसमें वेंट दे रखे हैं 1-2, और एक वेंट इसका यहाँ पर है, और बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज योर डुअल वाइजर। ये आपकी डे लाइट के लिए है, ये आपका डार्क है, स्मोकी है, इस पे स्टिकर लगा हुआ है, अभी उतार देंगे आपके लिए, और ये आपका नाइट के लिए, नाइट ड्राइविंग, ये आपका क्लियर है, इसमें कोई कलर नहीं है, ये स्टिकर है ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, इसके अगर हटाऊंगा तो इसके पीछे आपको हेलमेट पूरे मतलब अपना फेस दिखेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ये वाला ओपन करा, इसमें आपको ये भी मिलेगा चिन पे, मतलब आपकी नाक वगैरह आपको अच्छे से, कोई दम नहीं घुट रहा है मेरा, बहुत बढ़िया हेलमेट है यार, ये बहुत बढ़िया हेलमेट है। इस हेलमेट का नाम है स्टील बर्ड एरोनॉटिक्स। माउंट हमें लगाना है चिन माउंट फॉर कैमरा, सो अभी मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, लगा लिया मैंने चिन माउंट, इसमें उनकी सबसे अच्छी बात ये वाली जो पैडिंग है ना, इसके नीचे से जाता है ये, तो पता भी नहीं चलता चिन माउंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, कुछ इस तरीके से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी मैंने, और जैसे कि मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया, मैं रेडी हूँ बिल्कुल ऑफ रोडिंग राइड के लिए, बहुत जल्द आपके सामने एक व्लॉग आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सो आप बने रहना चैनल पे मेरे साथ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, मेरी भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी यार, मैं आप लोगों की मतलब सपोर्ट से ही स्टार्ट करा है ये सब कुछ, और आप लोगों के बिना होगा भी नहीं सपना पूरा। सो स्टे ट्यून गाइज, बाय फॉर नाउ।